सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि आ जाती है हमारी मिड एंट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024। सो काफी इंपॉर्टेंट ये चीज आ जाती है, काफी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो ये कब से स्टार्ट होने वाली है, इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, कितनी इसकी फीस रहती है, साथ साथ क्या इसका पूरा प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना होता है, कौन सा फॉर्म आपको फिल करना है और क्या क्या आपकी सारी चीजें रहती है, वो सब कुछ मैं आपको इस एक सिंगल वीडियो में बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। देखो शुरू करते हैं। हमारे पास जो मिड एंट्री होती है, मिड एंट्री का बेसिकली मतलब होता है, जिसे इसके नाम से ही क्लियर है, मिड मतलब बीच में, एंट्री मतलब आप कहीं पर किसी चीज में एंट्री कर रहे हो। जैसे आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है वो बेसिकली थ्री फेजेस में डिवाइड होता है। सबसे पहले आपको आता है फेज वन, जहां पर बेसिकली आप अपना आपको रजिस्टर करते हो, आप अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करते हो, पर्सनल डिटेल्स और भी जो जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी आप डिटेल्स फिल करते हो। फिर जो आपका सेकंड फेज आता है, वहां पर आप क्या करते हो, अपनी सब्जेक्ट मैपिंग करते हो और आप अपनी क्या बनाते हो, प्रेफरेंस शीट बनाते हो। ये आपका सेकंड फेज में काम आता है। फिर आपका आता है लास्टली फेज थ्री। फेज थ्री में आपका क्या होता है, सीट एलोकेशन होता है। आपके जितने भी सीयूटी स्कोर आता है उसके हिसाब से जो आपको जो भी कॉलेज और जो कोर्स आप करना चाहते हो, आपके हिसाब से आपको एक बेस्ट कॉलेज और एक बेस्ट कोर्स क्या किया जाता है, अलॉट किया जाता है। तो थ्री फेजेस में बेसिकली आपको ये क्या होता है, एडमिशन जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपको कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको स्टार्ट फेज वन से ही करना होता है, फिर फेज टू, फिर आपका फेज थ्री होता है। अब यहाँ पर काफी कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं होता कि फेज वन आपका कब स्टार्ट हुआ या फिर फेज टू आपका कब एंड हो गया या फिर कब स्टार्ट हो गया, या तो वो किसी तरीके से इस चीज के बारे में अवेयर नहीं थे या फिर वो भूल गए या फिर किसी गलती से, मतलब किसी भी कारण वो यहां पर अप्लाई नहीं कर पाए, बट वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्होंने जो सीयूटी का एग्जाम था वो दिया था। देखो बेसिकली यहां पर आपको सीयूटी का एग्जाम तो आपको देना ही है, तभी आप मिड एंट्री के लिए क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। अब यहां पर पॉइंट क्या आता है, अब जो मिड एंट्री होती है बेसिकली उन कैंडिडेट्स के लिए होती है जिन्होंने अभी तक किसी भी फेज वन, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, किसी भी फेज में क्या किया है, अप्लाई नहीं किया हुआ है। मींस दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन लेना चाहते हैं बट उन्होंने अभी तक किसी भी फेज में क्या किया है, अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए होती है आपकी मिड एंट्री। अब जो मिड एंट्री है वो ऑन अराउंड आपकी अगर आप 2024 के लिए देखी जाए तो आपकी सितंबर के फर्स्ट वीक या फिर अगस्त में, लास्ट के 31 अगस्त या फिर 30 अगस्त इसके लास्ट में, मतलब लास्ट डेज में आपकी क्या होगी, ओपन होने के चांसेस होंगे। वैसे जैसे ही वो आपकी ओपन होगी, फिक्स डेट जो भी आपकी अनाउंस होगी वो मैं आपको इंस्टा के थ्रू और साथ साथ यूट्यूब पोस्ट के थ्रू और वीडियो बना के भी आपको क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। बाकी जो डेट आती है वो आप मान के चल सकते हो 29 अगस्त से लेके 1 या 2 सितंबर तक आपकी क्या हो जाएगी, जो मिड एंट्री की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और वहां पर आप क्या कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो। तो हमने अपना चेकआउट कर लिया डेट्स कैसे आती है। अभी मिड एंट्री हमने देख लिया किन कैंडिडेट्स के लिए, बेसिकली जिन्होंने सीयूटी का एग्जाम तो दिया था बट वो फेज वन, फेज टू और फेज थ्री, मतलब किसी में भी उन्होंने कुछ अप्लाई नहीं किया, बेसिकली उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वही शुरू नहीं किया, या फिर रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था बट उन्होंने अपनी जो प्रेफरेंस शीट है वो नहीं बना पाई, किसी तरीके से उनको टाइम नहीं मिल पाया या फिर कोई गलती हो गई, तो यहां पर वो अपनी जो प्रेफरेंस शीट है वो बना सकते हैं। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, ये कोई करेक्शन विंडो नहीं है, कि काफी बच्चे सोचते हैं कि मैं अपनी जो प्रेफरेंस शीट है वो उसमें मेरी कोई गलती है, क्या मैं उसको सही कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। आपने जो पहले कर दिया वो तो फिक्स रहेगा, बट आप अगर हां आपने कुछ नहीं किया पहले, आपने रजिस्टर ही नहीं किया था, आपने प्रेफरेंस शीट कुछ भी नहीं बनाई थी, तो आप यहां पर शुरू से स्टार्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये आप काम कर सकते हो किसी में मिड एंट्री में। अब इसका जो प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से आपका फॉलो होता है, देखो यहां पर सबसे पहले आपकी क्या करी जाएगी, मिड एंट्री की जो ओपनिंग है, मतलब विंडो है, वो ओपन की जाएगी। यहां पर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर था और जो आपने पासवर्ड था, आपका एक पासवर्ड, उससे ही आपको क्या करना होगा, जो डीयू की सीएसएएस पोर्टल है, ये एक वेबसाइट है दिल्ली यूनिवर्सिटी की फॉर यूजी एडमिशन, उस पर आपको क्या करना होगा, जाना होगा और वहां पर अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा। जब आप लॉग इन कर लोगे, लॉग इन करने के बाद आपके सामने डैशबोर्ड पर ही आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ शो हो जाएंगे और आपको सिंपल क्या होगा, फेज वन का वहां पर ऑप्शन क्लिक हो आपको सामने दिख जाएगा, ऊपर मिड एंट्री आपका लिखा होगा, मिड एंट्री पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां पर आपको सारा सब कुछ क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा। वहां पर आपकी जितनी भी सारी पर्सनल डिटेल्स है, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस, आपके मार्क्स और सब कुछ, ये सब चीजें, एकेडमिक डिटेल्स और आपका एड्रेस, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, वो सब चीजें आपको वहां पर फिल करनी होगी। ये सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा फेज वन में, उसके बाद आपका वहीं पर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा फेज टू। फेज टू में आपको क्या करना होगा कि आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हो, बेसिकली जिस कोर्स के लिए आपने सीयूटी का एग्जाम दिया था वही कोर्स आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे,
तो आपको वहां पर क्या करनी होगी, सब्जेक्ट मैपिंग करनी होगी कि आपके पास 12th क्लास में कौन से सब्जेक्ट थे और आपने कौन कौन से सब्जेक्ट अपने सीयूटी के एग्जाम में दिए। इन सबको मैप करने के बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप इन इन कोर्सेज के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। तो उन सभी कोर्सेज को जब आप एड कर दोगे, अपनी प्रिफरेंस शीट बना दोगे, उसी हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, थर्ड राउंड में आपको क्या किया जाएगा, कॉलेज अलॉट किया जाएगा। तो पूरा इस तरीके से इसका प्रोसेसर रहता है। फॉर्म फिलिंग भी इसकी बड़ी सिंपल होती है, जैसे आपको नॉर्मली फॉर्म फिल करना होता है फेज वन फेज टू का, उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करना होता है। बाकी जैसे ही आएगा मैं आपको लाइव फॉर्म फिलिंग करके भी दिखा दूंगा, ये आपका सारा पॉइंट आता है। अब बात कर लेते हैं फीस की। देखो फीस जो इसकी रहती है वो आपकी 1000 रुपीज फीस रहती है। आप मिड एंट्री के जब आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे तो आपका फॉर्म जब फाइनल सबमिट होगा आपसे 1000 रुपीज क्या लिए जाएंगे, फी ली जाएगी। और ये जो आपकी फीस होती है नॉन रिफंडेबल फीस होती है, मतलब आपको रिफंड नहीं होगी, चाहे आपको कॉलेज मिले या फिर ना मिले, या फिर आप अपना जो आपका जो एडमिशन है या फिर एप्लीकेशन प्रोसेस है अगर आप उसको विड्रॉल भी कर लेते हो तब भी आपको 1000 रुपीज क्या होंगे, नहीं वापस नहीं दिए जाएंगे। मतलब 1000 रुपीज आपकी क्या है, नॉन रिफंडेबल फीस आती है। ये पॉइंट आपकी फीस का हो गया। अब यहाँ पर बात आती है मिड एंट्री से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, मिड एंट्री के थ्रू अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो वो कॉलेज आपको लेना ही होगा। उसमें आप कोई अपग्रेड का ऑप्शन यूज नहीं कर सकते, या फिर आप उसको ये नहीं बोल सकते कि मेरे को दूसरा कॉलेज चाहिए या फिर मेरे को कॉलेज में चॉइस चाहिए। आपको मिड एंट्री के थ्रू उस प्रोसेस के थ्रू अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट किया जाएगा तो वो कॉलेज ही आपका कंफर्म होगा और वो जो कोर्स आपने लिया है वही आपको दिया जाएगा। वैसे बेसिकली आपको कोर्स वही दिया जाएगा, कॉलेज वही दिया जाएगा जो सब आपने अपनी प्रिफरेंस शीट में क्या किए होंगे, फिल किए होंगे। ये आपका पॉइंट आता है। अब यहां पर पॉइंट ये आता है कि जैसे फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड काफी राउंड हो चुके होते हैं तो काफी जो सीट्स है ऑन अराउंड 90% जो सीट्स है वो ऑलरेडी फिल हो जाती है। तो कुछ सीट बच जाती है कुछ कोर्सेज में तो सारी फिल हो जाती है, कुछ बेसिक कोर्सेज में आपकी क्या हो जाती है, कुछ सीट बच जाती है, उन्हीं में आपकी क्या होगी, मिड एंट्री होगी। आप कोर्स में सभी अप्लाई कर सकते हो बट आपको एडमिशन उसी कोर्स और उसी कॉलेज में मिलेगा जहां पर सीट मतलब की वैकेंट बची होगी। अगर किसी कोर्स में या फिर किसी कॉलेज में कोई सीट वैकेंट ही नहीं है तो आपको वहां पर चाहे आप कितने अच्छे मार्क्स हो आपके, चाहे आपने कुछ भी किया हो, आपको वहां पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहां पर कोई भी वैकेंट सीट नहीं आती है। ये आपका सिंपल सा मिड एंट्री का बेसिकली एक रूल आ जाता है कि आपकी फी भी रिफंड नहीं होगी और साथ साथ आपका कॉलेज भी सिर्फ वही अलॉट होगा, कोर्स भी सिर्फ वही अलॉट होगा जिसमें कि क्या होगी, सीट वैकेंट होगी। ये आपका पॉइंट आता है। और एक लास्ट पॉइंट जो आता है कि जो भी सुपर न्यूमरी कोटा होते हैं, बेसिकली आपके जैसे आपका स्पोर्ट्स कोटा हो गया, आपका जितने भी टाइप ऑफ कोटा हो गया, आपका ईसीए कोटा हो गया, सीडब्ल्यू, जितने भी आपके कोटाज आते हैं बेसिकली सुपर न्यूमरी कोटा, उसमें आप मिड एंट्री के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। वो आपको फेज वन स्टार्टिंग से ही अप्लाई करना होगा अगर आप इन कोटाज के थ्रू मतलब कि एडमिशन लेना चाहते हो। इनकी एक सेपरेट लिस्ट निकलती है, इनके लिए मैंने सेपरेट वीडियोज बनाई हुई चैनल पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉपर एक प्ले लिस्ट है, वो आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको इन कोटाज के थ्रू एडमिशन लेना है तो आपको शुरू से ही क्या करना होगा, रजिस्टर अपने आपको करना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस में CSAS पोर्टल पर, और मिड एंट्री के थ्रू आप इन चीजों में अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपके सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। होप करता हूं हमने सारी चीजें कवर कर लिया कि हाँ यस, हमारा जो आपका एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया है किसी भी कोर्स को लेके वो भी आपको फुलफिल करना होगा तभी आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप बीएससी फिजिक्स करना चाहते हो तो आपके पास जो फिजिक्स के लिए बीएससी फिजिक्स कोर्स के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, चाहे मिड एंट्री के थ्रू हो या फिर आप नॉर्मल एंट्री की हो, तो मतलब एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया तो आपका पूरा ही होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू मिड एंट्री। मिड एंट्री आपकी किस तरीके से होती है, जो भी आपकी डेट्स, जैसे ही डेट फाइनलाइज होंगी और जो भी इसका फॉर्म प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको लाइव सब कुछ करके दिखाऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जैसे ही इसकी चीज का कोई अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करा दूंगा। इंस्टा पर जरूर कनेक्ट हो जाना क्योंकि पहले मैं आपको अपडेट वहीं पर प्रोवाइड करूंगा। बाकी वहां पर मैंने और भी काफी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रखी है, वो भी आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो प्लेलिस्ट है हर चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पर जाकर आप सारी वीडियोस को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू मिड एंट्री। होप करता हूं सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। रिलेटेड आपका कोई भी डाउट आता है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोसेस से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड आपका कोई डाउट आता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका डाउट मैं आऊं या फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मैं वहां पर आपकी सोल्व कर दूंगा। सो बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।